तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और वोट देने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वोटर लिस्ट का, यानी कि आप अगर आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आया है या नहीं, या फिर अगर आप ऑलरेडी वोटर हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, वोटर लिस्ट में कौन से सीरियल में आपका नाम है, ये सब जानने के लिए वोटर लिस्ट का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 2024 का एकदम फाइनल और लेटेस्ट वोटर लिस्ट कैसे आप अपने मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे आके voters.eci.gov.in लिख के ये वेबसाइट को आपको सर्च करना है। तो मैं इसका एकदम डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इलेक्ट्रल रोल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। तो मैं इस पेज का एकदम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ओपन कर सकेंगे। सबसे पहले आप अपना राज्य का नाम सिलेक्ट कीजिए, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला का नाम सिलेक्ट कीजिए, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा का नाम सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, नंबर वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। फिर लैंग्वेज, कौन से भाषा में आप वोटर लिस्ट को देखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को आपको सही तरीके से लिखना होगा। लिखने के बाद देखिए नीचे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा पार्ट नंबर वाइज। देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर और डिटेल्स है, यानी कि पार्ट नंबर है और पार्ट यानी कि कौन से स्कूल का बूथ है, यह आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ ही यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, ड्राफ्ट रोल 2024 और फाइनल रोल 2024। तो हमें फाइनल रोल डाउनलोड करना है। तो इस लिस्ट को देखिए यहाँ पे शो 20 रिकॉर्ड्स, यहाँ पे आप एक साथ 50 भी देख सकते हैं। तो आपको एक ही पेज में 50 पार्ट का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके आप जितने भी पेज है आप देख सकेंगे, और अपना पार्ट नंबर और अपना स्कूल अपना एरिया का वोटर लिस्ट यहाँ से देख पाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 174 है, तो आप यहाँ पे देखिए 174 है। तो यहाँ पे हमें फाइनल लिस्ट हमें डाउनलोड करना है। तो पहले ही मैंने दिखाया तो ऊपर दो ऑप्शन है, ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल। तो हमें फाइनल रोल वाला जो सेक्शन है तो यानी कि ये डाउनलोड करना है, तो हमें इस वाले डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम 174 यानी कि जो भी आपका पार्ट नंबर है तो उस पार्ट नंबर पे जाएंगे, और फाइनल रोल का जो यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे हमें डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये डाउनलोड होने में कुछ टाइम ले सकता है क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होता है, लगभग अगर आपका वोटर्स लगभग 1400-1500 है तो लगभग उसमें 50-60 पेज हो जाएगा। तो डाउनलोड होने में थोड़ा वक्त ये ज़रूर लेगा। तो डाउनलोड होने के बाद देखिए आप अपने ब्राउज़र का डाउनलोड ऑप्शन में जा सकते हैं। देखिए ऐसा ऊपर थ्री डॉट्स ऑप्शन पे जाके आप डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। देखिए डाउनलोड ऑप्शन में जाके देखिए यहाँ पे जो वोटर लिस्ट डाउनलोड हुआ है ये वोटर लिस्ट आप यहाँ से आप ओपन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रल रोल 2024 यहाँ पे लिखा है, ऊपर आपका राज्य का नाम भी दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स दिखेगा, मतलब कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, नंबर मिलेगा, पार्ट नंबर देखने को मिलेगा, लोकसभा केंद्र का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही देखिए ईयर ऑफ रिविजन मिल रहा है, क्वालिफाइंग डेट 1/1/2024 है यानी कि एकदम लेटेस्ट है, डेट ऑफ अपडेशन या देखिए 22/1/2024 यानी कि एकदम लेटेस्ट वोटर लिस्ट है। ऊपर आपको यहाँ पे पार्ट नंबर भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ देखिए इस पार्ट नंबर का यहाँ पे डिटेल्स एड्रेस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कौन से टाउन या फिर विलेज है, वार्ड नंबर क्या है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन,
डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन, पिन कोड, ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो इस केंद्र में टोटल कितने वोटर्स हैं, मेल फीमेल कितने हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल। और अगर आप और भी आगे जाते हैं तो इस पार्ट यानी कि वोट केंद्र का पिक्चर भी यानी कि फोटो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस वोटर लिस्ट में। यहाँ पे देखिए रूट मैप भी दिया गया है, साथ ही पिक्चर भी दिया गया है। और अभी ये मेन चीज़ वोटर लिस्ट, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर एक से शुरू होता है, 1, 2, 3 ऐसे करके टोटल जितने भी वोटर्स हैं इस वोटर लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे पहले सीरियल नंबर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप वोट देने जाते हैं ये सीरियल नंबर जो पोलिंग पर्सनल होते हैं ये सीरियल नंबर वो देखते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एपिक नंबर भी मिलेगा, साथ ही यहाँ पे देखिए फ़ोटो अवेलेबल लिखा आ रहा है, मतलब फ़ोटो है। लेकिन जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था पिछले सारे वीडियो में, ऑनलाइन जो वोटर लिस्ट निकलता है उसमें आपको फ़ोटो देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ लिखा आता है फ़ोटो अवेलेबल यानी कि फ़ोटो है। लेकिन ये वोटर इस वाले ऑनलाइन वोटर लिस्ट में सिर्फ नाम ही अपने को देखने को मिलेगा, सब और भी बाकी नाम, फादर्स नेम, एज, ये सब आपको देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर भी देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ जो है फ़ोटो आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ लिखा आएगा फ़ोटो अवेलेबल या फिर फ़ोटो नॉट अवेलेबल। तो ये आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये वोटर लिस्ट आपको ध्यान से देखना होगा, इसमें आपका नाम है या नहीं। अगर आप एकदम नए वोटर है तो आपका नाम इसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका वोटर कार्ड नहीं भी आया है लेकिन वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ऊपर आई बटन पे जाके इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है वो डॉक्यूमेंट लेके आप वोट दे सकते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए वोटर लिस्ट को आपको डाउनलोड करना होगा, ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो जो सेक्शन में देखिए डिलीटेड लिखा हुआ है, मतलब कि ये नाम डिलीट हो चुका है वोटर लिस्ट से, ये वोट नहीं दे पाएंगे, डेथ केस हो सकता है या फिर शिफ्टेड हो सकते हैं। तो जो जिसमें डिलीटेड लिखा आया है वो वोटर लिस्ट से एकदम डिलीट हो चुका है, वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप वोटर लिस्ट अपने इलाके का बड़ी आसानी से अपने मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैन कॉल ऐप में मुझसे कनेक्ट कीजिए और उसमें सारे क्वेश्चंस का या फिर प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं बता दूंगा। तो नीचे फैन कॉल ऐप का डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ से लिंक है, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट फैन कॉल ऐप को इंस्टॉल कीजिए और मुझसे जुड़ सकते हैं उस ऐप के द्वारा। तो वीडियो को भी एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।